दोस्तों, जिंदगी कब अपना रुख बदल ले और हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, यह हम में से किसी को नहीं पता। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे शख्स की सच्ची कहानी लेकर आया हूं, जिसने बॉलीवुड में अपनी गीतकारी से क्रांति ला दी थी और जिन्हें 2 फिल्म फेयर अवार्ड व यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे कहते रह गए, मैं ना भूलूंगा, पर उन्हें ये दुनिया भूलती गई। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक अपनी गीतकारी से जलवा बिखेरने वाले संतोष आनंद जी को लोग ऐसे भूल गए जैसे कि उनका किसी से कोई नाता ही न हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 5 दशक पहले बॉलीवुड में अपनी गीतकारी से क्रांति फैला देने वाले गीतकार संतोष आनंद जी की, जो आज अपनी जिंदगी से नर्वस हो गए। आज के वीडियो में हम उन्हीं की जिंदगी से जुड़े दिल दहला देने वाले तथ्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, संतोष आनंद जी का जन्म 5 मार्च 1940 को सिकंदराबाद के जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उस समय न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बुलंदशहर में ही की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ चले गए, जहां से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। संगीत में उनकी रुचि होने के कारण उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया। उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत 1970 में रिलीज हुई फिल्म पूरब और पश्चिम से की। फिल्म के साउंड ट्रैक को जाने माने संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने बनाया था। 1972 में उन्होंने फिल्म शोर के लिए एक प्यार का नगमा गीत लिखा। इस गीत का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तैयार किया था। यह गीत उस समय के सबसे हिट गानों में शुमार किया जाता था और यह बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इस गाने को लोगों का बहुत प्यार मिला। आज भी लोग इस गाने को गुनगुनाते नजर आते हैं। इस गीत की आवाज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी और मुकेश जी ने दी थी। इसके बाद संतोष जी ने एक और फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लिए अपने गीतों का संकलन किया, जो 1974 में रिलीज हुआ। इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया था और इसकी गायकी महेंद्र कपूर द्वारा और नहीं बस और नहीं, जबकि मुकेश और लता मंगेशकर के द्वारा युगल गीत मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी रिलीज हुआ। उन्हें अपने कैरियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड अपने लिखे गए गीत मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी के लिए मिला था। इसके बाद संतोष आनंद जी ने वर्ष 1981 में आई फिल्म क्रांति के लिए भी गाने लिखे। फिल्म के सभी गाने सुपरहिट साबित हुए और यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उन्होंने उसी साल रिलीज हुई फिल्म प्यासा सावन के लिए तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है और मेघारे मेघारे के लिए गीत लिखे। फिर उन्होंने 1982 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम रोग के लिए कई गाने लिखे, जिसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तैयार किया था। इस गाने को लता मंगेशकर जी और सुरेश वाडकर जी ने गाया था। संतोष आनंद जी को फिल्म प्रेम रोग के संगीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। संतोष आनंद जी एक महान गीतकार और भारतीय बॉलीवुड उद्योग के प्रसिद्ध कवि हैं, जो अब काफी पुराने हो चुके हैं। उन्होंने अपने बेजोड़ गीतों से भारतीय फिल्म उद्योग में एक अलग पहचान बनाई है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने काम करने का जुनून दिखाया है। संतोष जी अपने युवा अवस्था में ही एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके कारण वह अपना एक पैर खो बैठे और शारीरिक रूप से अक्षम हो गए। एक पैर से विकलांग होने के बाद उन्होंने अपनी आत्मा को कभी नहीं खोया और अपने जीवन में कई यादगार गीत लिखे, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं और गुनगुनाते रहते हैं। वह एक प्रतिष्ठित और सौम्य कलाकार हैं, जिन्होंने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। दोस्तों, संतोष आनंद जी ने कुल 26 बॉलीवुड फिल्मों में 109 गीत लिखे। उनके द्वारा लिखे गए गीतों को प्रसिद्ध गायक लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मोहम्मद अजीज, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति जैसे पार्श्व गायकों द्वारा गाया गया है। उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज कपूर, ऋषि कपूर और मनोज कुमार के लिए फिल्मों में गीत लिखे। संतोष जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो उनकी शादी के 10 साल बाद एक बेटा पैदा हुआ था। उन्होंने उनका नाम संकल्प आनंद रखा। संकल्प ने अपने पिता को बताए बिना ही नंदिनी आनंद से शादी कर ली थी। संकल्प भारत सरकार के गृह मंत्रालय में क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में लेक्चरर थे और ये IAS अधिकारियों को पढ़ाते थे, लेकिन वर्ष 2014 में एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वह अपनी पत्नी नंदिनी के साथ मथुरा में एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच ट्रेन के सामने कूदकर अपनी पत्नी संग आत्महत्या कर ली। संकल्प आनंद की एक बेटी रिद्धिमा आनंद है। आत्महत्या से पहले संकल्प ने 10 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने कई शीर्ष अधिकारियों के बारे में तमाम बातें लिखी थी और गृह मंत्रालय में चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। उनकी आत्महत्या के बाद पिता संतोष आनंद पर दुखों का पहाड़ टूट गया, जिन्हें आगे चलकर कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 तक
धीरे धीरे लोग उन्हें भूल से गए और वह शारीरिक रूप से असहाय भी हो गए। आज उनके पास कोई काम नहीं बचा है। हाल ही में संतोष आनंद जी को इंडियन आइडियल 2021 में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने अपने दुखों और दर्द भरी कहानियों को सुनाया, जिससे सभी की आंखें नम हो गई। उनकी दर्द भरी दास्ता को सुन इंडियन आइडियल के तीनों जजों की आंखें भर से आई और नेहा कक्कड़ ने उनकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और संतोष जी को 5 लाख रुपए का सहयोग दिया। इस शो में संतोष जी अपने जीवन से बहुत निराश दिखे। उम्र के इस पड़ाव में भी वे फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहते हैं। उनकी भावना का कद्र करते हुए बिसलाल ददलानी ने उन्हें काम देने का भरोसा दिलाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फैक्ट है जी।